दो जहान दे वाली बालिए कौल आलम साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन गोद विच उस महान शहीद भाई गुरजंट सिंह बुधवा साहब के नगर विखे दीप सिद्धू नूं याद करना ही साध संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये साढ़े कोल अंकड़े ने कि अज 18 तो लैके 40 साल की उम्र तक 40% सिख जवानी आ 18 तो लैके 40 साल तक साढ़े कोल सिख जवानी आ। तो ये भी इतिहास इस गल का गवाह कि जदों भी कितने इनकलाब आया जदों भी चलते दरियावां दे बहन मोड़े गए आ तो ये जवानी वल्लों। सो इसे लई इस जवानी नूं टैंकां नाल गोलियां नाल तोपां नाल खत्म करन दा जतन इंदिरा सरकार ने किया। जदों उन्हां नूं इस गल का पता लग गया सरकारां नूं कि जवानी नूं गोलियां नाल टैंकां नाल तोपां नाल तबाह नहीं किया जा सकता सिख जवानी नूं, तां उन्हां ने एक होर सुनामी सी जिहड़ी नशे की सुनामी वह पंजाब दे विच बगाई। हर 8 घंटे बाद पंजाब दा एक नशेड़ी नौजवान सिव्यां दे राह जाण लग्गिया। परमात्मा ने कृपा कीती, भाई अमृतपाल सिंह जी होरां ने इस वर्तारे नूं डूंघी नीझ ला के तकिया कि जे साडे हत्थों साडी जवानी खुर गई फिर जिवें कदे कहा सीगा गुरु साहिब नूं पंथ ने, जे पंथ ना रहा तां ग्रंथ नूं की करांगे सी। सो इन्हां ने जिहड़ा उपराला पंजाब की धरती ते कीता कि पंजाब की जवानी नूं बचाउण लई उहदा मुख गुरु घरां वल मोड़न लई उहदे मन दे विच हम राखत पातशाही दावा मुड़ के पैदा करन दे लई इन्हां ने एक लहर आरंभी। गुरु ने कृपा की, जवानी के मन के उस लहर का बहुत बड़ा असर गया। सो हुण जदों ये लगन लग पिया कि पंजाब की जवानी है जिहड़ी टैंकां तोपां नाल नहीं गई नशे की सुनामी नाल नहीं गई वो अज फिर गुरु वल मुड़ी आ, तो उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह होरां नूं उलझाउण दे लई उन्हां दी शख्सियत नूं नीमा करन दे लई बहाने कढ़ने शुरू कर दिते। ये हुंदा आ, सरकारां हमेशा करदियां आईयां ने, परंतु सानू सचेत होना पऊगा कि जिहड़ा नौजवान साडी कौम दी चढ़दी कला रही एक लकीर खिच के आया उस नौजवान नूं असीं किसे भी तरह ये मकार शक्तिशाली सरकार वल्लों कोई दाग नहीं लगण देना। सो जदों कौम पूरी तरह एकजुट हो के इस लहर विच कुदूगी तो जिस तरह भाई दीप सिंह सिद्धू ने कहा सीगा कि साडी होंद दा सवाल आ, अज कौम दी होंद दा सवाल आ। किसे समय मर्दन सवारी होई सी 2001 दी ते अंकड़े आए सी कि 2,30,00,000 इस दुनिया दे विच सिंह ने। 2011 दी मर्दन सवारी आई ते कहा गया कि 1,70,00,000 सिंह ने, ये कित्थे गए? सो सानू सोचना पऊगा कि भावें गुरु का खालसा गुरु वल्लों परमात्मा की मौत साजा गया इहनू कोई खत्म नहीं कर सकता, परंतु अंकड़े बोलते ने, सानू उस बारे भी सोचना पऊगा। जिहड़ा अज होका भाई अमृतपाल सिंह होरां ने दिता उहदे पिछे की आ? तुहाडी होंद दी राखी आ। सो जे तुसीं चाहुंदे हो कि कौम की होंद दी राखी होवे तां खड़े होवो, इस लहर दे हिस्सेदार बणो। हर पिंड दे विच 11-11 नौजवानों की एक कमेटी बनाओ जिहड़ी वारस पंजाब दे जथेबंदी का हिस्सा होवे। कोई भी सुनेहा आवे, कदे संत भिंडरा वाले कहिंदे हुंदे सी कि 35-35 सिंघां दी एक टीम दे लिस्ट आ जिहड़ी मैनूं भेजो, ताकि वह टीम नूं जदों सुनेहा भेजा जावे तो वह झटपट उस कर्तव्य विच लग जावे जिहड़ा उहदा जुम्मे लाया जावे, परंतु असीं गौलिया नहीं। की होया
कि दरबार साहब ते हमला होया, बेदोषियां सिख संगतां नूं को को के मारिया गया, परंतु असी अपने घरां विच कैद होके रह गए। ये साडे लई सुनेहा। सो मैं बेनती जरूर करूँगा कि अज लोड़ आ कि सानू मूल रूप दे विच असी संगठित होईए, हर गल दा सानू पता होवे, कौम दी होंद दा सानू पता होवे, पंजाब दी होंद ते जिहड़े हमले हो रहे ने उहदा सानू पता होवे। इसलिए इस लहर का इस जथेबंदी का हिस्सा बनीए। सो इन्हां गल्लां दे नाल मैं खिमा दा जाचकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।